हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कैमरा सेटिंग्स की नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास में है यहाँ पर सोनी का MC2500 नंबर कैमरा कोडर, और आज की इस वीडियो हम जानेंगे कि इस कैमरे की रिंग पे हम क्या क्या सेट कर सकते हैं और किस तरीके से इसकी जो रिंग को हम ऑपरेट करते हैं। क्योंकि इस कैमरे में देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक रिंग दी हुई है, तो एक ही रिंग से हमें सारा काम करना होता है। और सोनी का जो कैमरा आता है NX100-200, उसमें तीन रिंग यहाँ पर दी हुई होती है, लेकिन इसमें एक रिंग देने के कारण हमें इसको मैनुअल तरीके से चलाना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से हम इस रिंग पे सेट करके और अपनी वीडियो को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको रिंग को सेट करने के लिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर मेन्यू वाले बटन को प्रेस करना है। जैसे आप मेन्यू वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने फिर से यहाँ पर कैमरा सेटिंग्स वाली जो सेटिंग्स है आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको सेट पर क्लिक करना है, और सेट पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर फोकस लिखा हुआ है। अगर हम फोकस पर ओके करेंगे तो इस कैमरे का जो फोकस है यहाँ पर सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये कम ज़्यादा हो रहा है, शायद आपको इसमें ब्लर नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपका जो फोकस है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं इस वाली रिंग के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं कि इस रिंग पे हम और कुछ ऑप्शन लें, तो फिर से आपको कैमरा सेटिंग में जाना है, रिंग सेटिंग में जाना है, और यहाँ से आप अगर जूम सेट करते हैं तो जूम सेट करने के बाद में आपकी रिंग यहाँ पर जूम पर काम करना स्टार्ट कर देगी इस तरीके से। तो आप यहाँ से जूम भी कर सकते हैं। फिर से हमें जाना है मेनू वाली सेटिंग्स में, और फिर से रिंग सेटिंग में जाना है। अगर हम रिंग सेटिंग्स में गेन सेट कर देते हैं तो हमारा जो यहाँ पर गेन दिया हुआ है 12 dB, तो ये यहाँ पर इसमें सेट हो जाएगा और कम ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप इस कैमरे को ऑपरेट करें तो आपका जो गेन है यहाँ पर 18 dB से ऊपर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा आपकी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ या ग्रेन्स आ जाएगी। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें कि आपका जो गेन है कम से कम 18 dB रहे, और अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो आप लाइट का यूज़ ज़रूर करें। तो चलिए हम नेक्स्ट वाली सेटिंग्स देख लेते हैं। वापस से चलते हैं हम रिंग सेटिंग्स में, और यहाँ पर आयरिस का बटन दिया हुआ है। तो आयरिस हम जैसे सेट करेंगे तो देखिए, यहाँ पर आयरिस का मतलब यह है कि आपकी वीडियो में जो लाइट है वो कम ज़्यादा यहाँ से हो जाएगी। आयरिस का मतलब यहाँ से चमक से होता है, तो आपकी जो वीडियो है अगर वो डार्क आ रही है तो आप यहाँ से इसकी लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो वापस से हम चलते हैं रिंग सेटिंग्स में, और यहाँ पर दी हुई है शटर स्पीड। शटर स्पीड भी यहाँ पर देखिए, कम से कम आपको 50 dB या 60 dB रखनी है। अगर आप इससे ऊपर लेके जाएंगे या 50 dB से आप कम करेंगे तो आपकी जो वीडियो है वो सेकी आएगी और ब्लर आएगी। तो आपको कम से कम यहाँ पर 50 dB इसकी जो है शटर स्पीड रखनी है। और एक और प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूँ, अगर आप कहीं डे में शूट कर रहे हैं और आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा जली हुई आ रही है, काफ़ी ज़्यादा लाइट आ रही है, तो आप इसकी जो शटर स्पीड है उसको आप 250 या 200 तक लेके जाएँ, तो आपकी जो वीडियो है बिल्कुल अच्छी आएगी और परफेक्ट आएगी। तो ये वाला प्लस पॉइंट है दोस्तों, मैं अक्सर अपनी वीडियो में ये काम करता हूँ, तो बिल्कुल मुझे एक परफेक्ट वीडियो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो चलिए हम लास्ट सेटिंग और देख लेते हैं। रिंग सेटिंग में जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पर AI शिफ्ट भी दिया हुआ है, तो AI शिफ्ट से भी आप देखिए, यहाँ पर अभी ये वाली जो सेटिंग्स है बंद है। अगर इसको आप ऑन करना चाहते हैं तो वापस से आप जाइए यहाँ पर AI शिफ्ट वाली सेटिंग्स में, और इसमें जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ से भी इसमें सेट कर सकते हैं। देखिए, ये सेटिंग जब भी काम करेगी जब आप इसको मैनुअल तरीके से चलाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी रिंग को सेट कर सकते हैं सोनी MC2500 कैमरा कोडर में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपको इसी तरह की कैमरा सेटिंग्स की वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।